ये जो पीछे लिखा हुआ इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप भागलपुर ऑर्गेनाइज्ड बाय बॉक्सिंग एसोसिएशन भागलपुर, किस तरीके का मैच होता है और कितना रोचक मुकाबला होता है ये हमारे दर्शकों को आप बताइए। अभी जिला भागलपुर जिला स्तरीय के द्वारा भागलपुर जिला बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा ये इंटर स्कूल बॉक्सिंग चैंपियनशिप का जो है आयोजन किया जा रहा है। यहाँ पे आपने पहले देखा कि बहुत ज़बरदस्त लड़कियों में इतनी ज़बरदस्त मुकाबले हो रहे हैं, तो लड़कों में आप अनुमान लगा सकते हैं कि एक दूसरे के ऊपर कितनी ज़बरदस्त मुकाबले के लिए वो तैयार है। अभी अभी कुछ देर चलते हैं कि क्योंकि यहाँ अभी सामने कुछ मुकाबलों का जो उनका फाइनल हो चुका है उनका अभी मेडल उन बॉक्सरों को मेडल दिया जाएगा, क्योंकि अभी उनका फाइनल मैच हो चुका है, उनको मेडल सेरेमनी किया जाएगा और फिर वापस एक बाउट की तरफ ले जाएंगे। तो अभी जो इंटर स्कूल बॉक्सिंग डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप जो है ये भागलपुर बॉक्सिंग एसोसिएशन के द्वारा और किया जाता है, और ये हर वर्ष की बात ही हर साल हर स्कूलों से बच्चों को ट्रेनिंग दिया जाता है, कैंप दिया जाता है। तो प्रेजेंटेशन सेरेमनी हो रही है, उधर ले चलते हैं अपनी माइक को, आइए आप हमारे साथ इधर। बोलो ना, लाओ यही ना माइक दो जी, अमित अमित माइक। तो देख सकते हैं किस तरीके से जो भी खिलाड़ी अच्छा कर रहे हैं उनको यहाँ पे सम्मानित किया जा रहा है और सम्मान की एक बड़ी भूमिका होती है। तो अब जो है प्रेजेंटेशन सेरेमनी का वक्त आ चुका है और सभी खिलाड़ी जिन्होंने अच्छा किया उनके लिए ये सम्मान का समय है, क्योंकि सम्मान जब आप किसी को करते हैं, जब किसी को आप सम्मान देते हैं तो ये अच्छी बात होती है। और ये भागलपुर जिला बॉक्सिंग सेंटर शशीर माननीय मोहम्मद फरमोद अंसारी NIS कोच हैं, इन्होंने बॉक्सरों को जो मेडल इन्होंने अच्छा गेम का प्रदर्शन किया और इनको गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त इन्होंने दिया। अब हम दूसरे वेट कैटेगरी के अनुसार चलते हैं, दूसरे वेट में देखेंगे 38 kg वेट कैटेगरी में चंद्रभूषण कुमार DAV स्कूल। और ये अमित कुमार जो हैं, ये अमित कुमार और ये DAV में लखीसराय में कार्यरत हैं और इनके द्वारा बॉक्सरों को ये स्कूल के छात्र हैं इनको बुके और मेडल दे करके सम्मानित किया जा रहा है। और ये गोल्ड मेडल जो है DAV स्कूल के छात्र जो है चंद्रभूषण कुमार को गोल्ड मेडल और बुके देकर सम्मानित करने के बाद नेक्स्ट 40 kg वेट कैटेगरी बादल कुमार मध्य विद्यालय स्कूल गोमल और विराट रंजन AMG स्कूल। इधर घूमो आ गई बादल झुक के। और ये देख सकते 40 की बादल कुमार को मेडल देकर सम्मानित किया जा रहा है। और ये 40 kg वेट कैटेगरी में दोनों बॉक्सरों को गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल दिया जा रहा है। ये फिजिकल टीचर हैं लखीसराय DAV स्कूल के अमित कुमार। और इनके साथ में हैं हमारे भागलपुर जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव माननीय फरमोद अंसारी। और अब दूसरे वेट कैटेगरी में चलेंगे 42 kg वेट कैटेगरी में आशीष कुमार गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल के लिए देवप्रस। कुमार मध्य विद्यालय बैजानी गोल्ड, दीपराज हिमालयन स्कूल भागलपुर से। एंड द टाइम ऑफ 44 kg
सिल्वर मेडल अक्षय कुमार, ध्यानचंद कुमार, मध्य विद्यालय बैजानी। और अभी दिया जा रहा है, ये 44 के जी वेट कैटेगरी में मेडल दिया जा रहा है। हमारे जिला बॉक्सिंग संघ के सचिव फरमूद अंसारी सर एनआईएस कोच हैं ये, इनके द्वारा गोल्ड मेडल और सिल्वर मेडल प्राप्त इनको इन बॉक्सरों को दिया जा रहा है और ये बुके देकर सम्मानित कर रहे हैं। सर थोड़ा इधर देखिएगा, देखो इधर, यहाँ ये बिहार में एकमात्र जो बॉक्सिंग के लिए जो है कोच है ये फरमूद अंसारी एनआईएस कोच किया है। रतन कुमार शेरमारिया स्कूल गोल्ड, सर तो देख सकते हैं जिस तरीके से मेडल देकर इन खिलाड़ियों को सम्मानित किया जा रहा है, ये अपने आप में एक बड़ी उपलब्धि है, क्योंकि मेडल भले ही छोटा दिखता है लेकिन उसकी कीमत जो है वो अनमोल होती है, वो दुनिया के किसी बाजार में नहीं मिल सकती। बहुत मेहनत करने के बाद, क्योंकि बॉक्सरों को तीन तीन राउंड का मैच खेलना पड़ता है, तीन तीन राउंड में ऐसा लग रहा है कि सारी एनर्जी लगा देते हैं तभी इनको मेडल प्राप्त होता है, और ये एक छोटा सा मेडल ना कहा जाए, इसको बहुत बड़ी उपलब्धि किया कहा जाए। इसको प्राप्त करने के लिए बॉक्सरों को सारी ताकत सारी एनर्जी लगाना पड़ता है और फिर वापस दिया जा रहा है। प्रदुमन, जो बॉक्सर ने फाइनल बाउट में अपना अपना मैच जीता था, इनको फिर से वापस मैच दिया जा रहा है। एचएसजी जगदीशपुर, और ये वापस फिर सिल्वर मेडल। अमन कुमार को सिल्वर मेडल और प्रतीक कुमार जिला स्कूल के हैं जो उनको गोल्ड मेडल और बुके देकर हमारे जो सचिव सेक्रेटरी साहब हैं उन्होंने सम्मानित किया। बैजानी के जो है इन्होंने सिल्वर मेडल प्राप्त किया है, और ये सन्नी कुमार और ये प्राप्त किया, और ये सन्नी कुमार जो है एक अच्छे बॉक्सर हैं और अच्छे खेलते भी हैं, और ये कोशिश करते हैं कि हमारा तो मेडल सेरेमनी में आप देख सकते हैं कि इस तरीके से सम्मानित किया जा रहा है मेडल देकर, कोई ब्रॉन्ज मेडल है, फिर गोल्ड मेडल्स हैं, और सम्मानित इसलिए किया जा रहा है कि इन्होंने काफ़ी अच्छा खेला है, गेम को जिया है, हर वक्त खेला है। हमारे प्रशिक्षक जो हैं फरमूद अंसारी जी और सचिव भी हैं खेल के भागलपुर के, तो ये देखने वाली बात होगी कि यहाँ से बच्चों का आगे का करियर किस तरीके से जाता है। अमित भैया जेंद्र बताइए उसी में सेट करो, जय चल 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 च
और उसके बाद सौरभ ऐसा नाच रहे हैं। उसके बाद तैयार है अजय रतन कुमार गोल्ड मेडल, रविशंकर सिल्वर मेडल। रतन रविशंकर हमारे शाहबाज हर्षराज आर्यन शर्मा जो गोल्ड मेडल, नीतीश कुमार सिल्वर मेडल, देख सकते हैं किस तरीके से इंटर स्कूल डिस्ट्रिक्ट बॉक्सिंग चैंपियनशिप में मेडल का विचार इस वक्त हो रहा है। यहाँ की सीधी तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ। गोल्ड मेडल आकाश कुमार सिल्वर मेडल और कलर कुमार ब्रॉन्ज मेडल। कलर कुमार ब्रॉन्ज मेडल। सुजीत कुमार बीएचआई वैजानी, संतोष और मनीष, आकाश सुजीत प्रतीक आनंद ishipur। इसके बाद तैयार है विवेक, दीपक, बम और सुन